नमस्कार, मैं हूं अर्जुन रावत और स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में, एक स्टॉक के बारे में, जिसने कि पिछले एक महीने में ही दोस्तों अपने शेयर होल्डर के पैसों को, अपने इन्वेस्टर के पैसों को दोगुना से भी ज़्यादा कर दिया है दोस्तों। लगभग दोस्तों 122% के रिटर्न ये कंपनी, ये स्टॉक दे चुका है पिछले एक महीने में ही दोस्तों। और लगातार दोस्तों पिछले 10 दिनों से इस कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लग रहे हैं। इसी कंपनी के बारे में दोस्तों हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों कि कंटिन्यूअसली इसमें अपर सर्किट लगते चले जा रहे हैं दोस्तों। इस कंपनी का जो ऑल टाइम हाई था दोस्तों 4,443 रुपए का, उससे दोस्तों ये गिर के स्टॉक आया था लगभग 450-409 रुपए। इसने अपना लोवेस्ट बनाया था अभी इस साल में, 409 रुपए पे भी आया था, और अभी दोस्तों इंक्रीज हो के डबल से भी ज्यादा ये हो गया है। तो इसी कंपनी के बारे में दोस्तों एनालिसिस करने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, बताता हूँ आपको कि ये कौन सी कंपनी है। तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों HEG लिमिटेड। जैसा कि आप सब लोगों को पता है दोस्तों, ये बहुत अच्छी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी अच्छे इसने रिटर्न दिए थे पास्ट में, और साथ ही साथ दोस्तों अभी भी ये अच्छे रिटर्न दे रहा है। लेकिन पिछले 1-2 सालों में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत डाउन था, लगभग 75% करेक्शन इसमें हो चुका था। उसके बाद दोस्तों इसमें थोड़ा सा अप ट्रेंड अभी देखने को मिला है, और पिछले 10 दिनों में इसमें कंटिन्यूअसली अपर सर्किट देखने के लिए मिले हैं दोस्तों। तो आज इसी के बारे में दोस्तों हम लोग स्टडी करने वाले हैं। HEG लिमिटेड जो कंपनी है दोस्तों, ये करती क्या है, ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स बनाती है दोस्तों। अब ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स काम में कहाँ आते हैं, स्टील इंडस्ट्री जो है दोस्तों वो एक कोर इंडस्ट्री होती है, आप लोगों को पता होगा। जो हमारे देश में 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, उसमें से एक है स्टील इंडस्ट्री। स्टील जब स्क्रैप से दोस्तों स्टील बनाया जाता है, तो दो तरह के फर्नेस यूज होते हैं, उसमें से एक होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में दोस्तों यूज किए जाते हैं ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स, जो कि ये कंपनी बनाती है। और इंडिया में दोस्तों ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रोड रॉड्स बनाने की। अब इंडिया के लिए तो बनाती ही है दोस्तों ये, साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में भी ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, और जिसमें से कि बहुत ज्यादा इसका चाइना के लिए एक्सपोर्ट होता है दोस्तों। चाइना में ये एक्सपोर्ट करती है इलेक्ट्रोड्स को, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स को। तो ये तो रहा दोस्तों इसका बिजनेस जो मैंने आप लोगों को बताया। अब दोस्तों थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों इसका 3,501 करोड़ रुपए का, तो मैंने आपको पहले ही बताया था एक स्मॉल कैप कंपनी है ये। करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों 907 रुपए का, और 52 वीक का हाई इसका था दोस्तों 1,898 रुपए का, और 52 वीक का लो था 409 रुपए का। तो 409 से देख लीजिए दोस्तों, अभी करंट 907 पे आ गया है। तो इसने दोस्तों लगभग 122% के रिटर्न दे दिए हैं अपने शेयर होल्डर के पैसों को, लगभग डबल कर दिया है पिछले मात्र एक महीने में ही। बुक वैल्यू भी बहुत अच्छी है दोस्तों, 1,038 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है, और करंट प्राइस चल रहा है 907। तो अपने बुक वैल्यू से भी कम प्राइस पे ये स्टॉक मिल रहा है। स्टॉक का पी देख लीजिए दोस्तों, सिंगल डिजिट पे है 3.78 का। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है दोस्तों इस कंपनी के, 8.82%। अब मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ दोस्तों, 2018 में HEG लिमिटेड ने 110 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया था दोस्तों, जो कि बहुत ही हाई होता है। 2019 में दोस्तों इस कंपनी ने 50 रुपीज का डिविडेंड दिया था, और 2020 में दोस्तों अभी तक इसने एक बार डिविडेंड दे दिया है 25 रुपीज पर इक्विटी शेयर का, वो दिया था इसने दोस्तों 17 फरवरी 2020 को, जो कि इंतरिम डिविडेंड था दोस्तों। ये 25 रुपए होता है दोस्तों, तो 25 रुपए भी काफी अच्छा माना जाएगा। अगर किसी के पास 100 शेयर भी इस कंपनी के, तो उसको 2500 रुपए डिविडेंड में मिल गए होंगे दोस्तों। अब सेल्स में ग्रोथ देख लेते हैं, पिछले 3 सालों का जो एवरेज है 96.44% का, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे माना जाएगा दोस्तों। दो इंडिकेटर देख लीजिए दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 100 के ऊपर है, 139% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 100 से ऊपर है, ये भी 105% पे है दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों इसका फाइनेंशियल डाटा। अब जो मैंने आपको बताया था कि एक महीने में ही इसने पैसों को डबल कर दिया है, एक महीने का मैंने ये चार्ट लगा के रखा है दोस्तों आप लोगों के सामने। और 407 409 जब इसने हिट किया था, वहां से लेके आज की डेट में दोस्तों इसने हिट कर दिया है 907, और अपने शेयर होल्डर को कर दिया है मालामाल और डबल कर दिया है पैसा। साथ ही साथ दोस्तों ये एक डिविडेंड रिच कंपनी भी है, अच्छा डिविडेंड ये कंपनी देती है। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना है दोस्तों कि इस तरह का क्या हो गया कि ये कंपनी कंटिन्यूअसली ऊपर के लिए भाग रही है, और अपर सर्किट इसमें लग रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इतनी एनालिसिस के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, इतना एफर्ट तो लगते हैं, एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था इस कंपनी में जो कि
अच्छा चलिए पहले दोस्तों थोड़ा सा इसका प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसके जो क्या हो गया ऐसा इसके मतलब इस शेयर में जो कि ये कंटिन्यूअसली अब ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम बात करेंगे इसके पिछले 4 सालों की सेल्स के बारे में। तो 2016 में देख लीजिए दोस्तों 870 करोड़ रुपए का था, वहीं मार्च 2017 में ये बढ़के तो नहीं कहूंगा दोस्तों, ये एवरेज रहा लगभग 859 करोड़ रुपए का। लेकिन 2018 में देखिए यहाँ पे इमेंस ग्रोथ एकदम हुआ है, 2748 करोड़ रुपए का हो गया, और यहाँ पे 2019 में बढ़के हो गया दोस्तों 6591 करोड़ रुपए का। इस कंपनी का दोस्तों जो सेल्स था पहले तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था, लेकिन पिछले 3 सालों में दोस्तों जो यहाँ पे था 2015 से लेकर 2017 तक डिक्रीज हो रहा था, लेकिन फिर से 2017 से लेकर 2019 तक पिछले 3 सालों में एक इंक्रीमेंट इसमें हुआ है और ग्रेजुअली ये इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। और सेम चीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखने के लिए मिलेगी दोस्तों, यहाँ पे 2016 से घट के आ गया था 2017 में यहाँ पे 81 करोड़ रुपए पे, लेकिन 2018-2019 में फिर ये इंक्रीज होता चला जा रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा इसके ईपीएस के बारे में। अर्निंग पर शेयर दोस्तों इसका 2016 में काफ़ी कम हो गया था यहाँ पे, फिर 17, 18, 19 में ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता चला जा रहा है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है दोस्तों किसी भी कंपनी के बारे में कि उसके जो पैरामीटर हैं इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। अब जो सेल्स की ग्रोथ के बारे में मैंने बताया था दोस्तों, 3 साल की इसकी सेल्स की ग्रोथ आप देख लीजिए 96.44% है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए दोस्तों 3 साल की 950% की है, ऑलमोस्ट 1000% की ग्रोथ है दोस्तों, ये भी काफी अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे स्टॉक प्राइस का जो सीएजीआर है दोस्तों वो प्राइस है वो टोटली मार्केट पे डिपेंड करता है, वो -49% इसका, इससे ज्यादा लेना देना हमें होना नहीं चाहिए। हमें क्या देखना है, इंट्रिंसिक वैल्यू देखनी किसी कंपनी की, और किसी भी कंपनी की जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढते हैं तो हमें क्या देखना है, उसके पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी का देख लीजिए दोस्तों 3 सालों का 77% का इसने रिटर्न दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी पे पिछले 3 सालों का ये एवरेज है दोस्तों, 5 सालों का एवरेज देखेंगे तो 56% का है दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को दबाइएगा जिससे कि इस चैनल के सारे अपडेट सबसे पहले मिले आपको। अब बता देते हैं दोस्तों आपको जो न्यूज़ थी कि किस वजह से इसका शेयर कंटिन्यूअसली ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। हुआ क्या था दोस्तों कि 16 अप्रैल के दिन स्टॉक एक्सचेंज ने पूछा था एचईजी कंपनी से कि भैया ऐसा क्या हो गया है कि आपका शेयर कंटिन्यूअसली दौड़ रहा है, 409 रुपए से मैंने जैसे आपको बताया दोस्तों ये पहुंच गया है कहां पे, 907 रुपए पे, डबल से भी ज्यादा हो गया है पिछले 1 महीने में ही। तो एक्सचेंज पूछती है कंपनी से कि भैया ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा जो शेयर है उसमें इतना मूवमेंट हो रहा है। यहां देख लीजिए दोस्तों ये सब्जेक्ट है मूवमेंट इन प्राइस, तो ये रहा दोस्तों ये सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा मूवमेंट इन प्राइस। तो दोस्तों एचईजी कंपनी से पूछा गया 16 अप्रैल को एक्सचेंज ने पूछा इससे कि क्या हो गया ऐसा, फिर रिप्लाई दिया है एचईजी कंपनी ने दोस्तों किसको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को। वही रिप्लाई मैं आप लोगों को पढ़ के बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले यहां पे देख लीजिए दोस्तों इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मूवमेंट इन प्राइस। तो कंपनी जो लिख रही है दोस्तों वो बता रही है कि क्या ऐसा हो गया कि जो कंपनी का जो शेयर है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो उसी के बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे जो ये लेटर है। हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा आपको ये धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वही आप सुनिएगा। तो ये लिखते हैं, डियर सर दिस हैज़ रेफरेंस टू यूअर ई मेल लेटर रेफरेंस नंबर NSECM सर्विलेंस 9317 डेटेड 16 अप्रैल 2020 सीकिंग आवर रिस्पॉन्स ऑन द कैप्शन सब्जेक्ट। ये कह रहे हैं कि सर जो आपने हमें ईमेल किया था या लेटर भेजा था शो एंड शो कितनी तारीख को, 16 तारीख को, और जो आप पूछ रहे थे क्या पूछ रहे थे, जो कैप्शन सब्जेक्ट है ये दोस्तों मूवमेंट इन शेयर प्राइस, तो क्या मूवमेंट मतलब शेयर प्राइस में जो हो रहा है उसके बारे में जो आपने पूछा था उसी का ये दो सर रिप्लाई है, ऐसा इस कंपनी ने कहा है। अब कंपनी कहती है दोस्तों, इन दिस रिगार्ड वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट अपार्ट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस मैटर्स ऑलरेडी शेयर्ड विद द स्टॉक एक्सचेंजेस फ्रॉम टू टाइम टू टाइम, मतलब ये कहती है कि हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी को जो भी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ टाइम टू टाइम पे शेयर करनी होती है वो इन्फॉर्मेशन तो हमने शेयर की है दोस्तों, उसके अलावा देयर इज नो फर्दर इन्फॉर्मेशन और अनाउंसमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी शेयर विद द स्टॉक एक्सचेंजेस। मतलब ये कह रही है दोस्तों कंपनी कि जो भी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे कंपनी की तरफ से स्टॉक एक्सचेंजेस को शेयर होनी चाहिए वो तो हमने की है दोस्तों, उसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि अभी के समय में हमें एक्सचेंजेस को बतानी चाहिए।
उसके बाद ये लिखता है दोस्तों, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज नॉट विद हेल्ड एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन और इवेंट विच में हैव बियरिंग ऑन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। ये कहते हैं कि मैनेजमेंट, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, उसके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, चाहे वो मटेरियल इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो कोई इवेंट हो, जिसकी वजह से कि जिसका कि कोई बियरिंग हो किस पे दोस्तों, जिसका कि कोई प्रभाव पड़े, जिसका कि कोई इफेक्ट पड़े किस पे, प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का जो अभी स्टॉक का जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर कोई इफेक्ट पड़े, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी के मैनेजमेंट के पास या कंपनी के पास नहीं है, जिसको कि हमें स्टॉक एक्सचेंज को बताना चाहिए था दोस्तों। इस कंपनी ने एकदम क्लेरिफाई कर दिया दोस्तों कि ऐसी कोई भी न्यूज़, ऐसी कोई भी खबर, ऐसा कोई भी इवेंट या इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है, वी आर ऑफ द व्यू दैट प्राइस बिहेवियर इन द स्क्रिप्ट इज ड्रिवन बाई मार्केट कंडीशंस एंड करंट सिनेरियो। तो ये कंपनी ये कह रही है दोस्तों कि हमारा ये व्यू है, हम ये मानते हैं कि जो प्राइस बिहेवियर है, जो प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर चला जा रहा है हमारे जो एचईजी कंपनी का, वो किससे ड्राइव हो रहा है दोस्तों, कि ड्रिवन बाय मार्केट कंडीशंस एंड करंट सिनेरियो। मतलब जो मार्केट कंडीशन बनी हुई है उनकी वजह से कंटिन्यूअसली ऊपर चलता चला जा रहा है, और जो करंट सिनेरियो बना हुआ है दोस्तों उसकी वजह से ऊपर चला जा रहा है। तो ये क्लेरिफाई कर दिया दोस्तों एचईजी लिमिटेड ने डायरेक्टली कि हमारे पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, और मार्केट कंडीशन की वजह से और करंट सिनेरियो की वजह से ही ऊपर चला जा रहा है दोस्तों ये। फर्दर बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी वुड कंटिन्यू टू कीप स्टॉक एक्सचेंजेस इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट एज रिक्वायर्ड। इन्होंने कहा है दोस्तों, फर्दर हम एक रिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेट सिटीजन हैं, और हम जो हमारी कंपनी है दोस्तों, जो हमारी कंपनी है वो क्या करेगी, स्टॉक एक्सचेंज को जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो जरूर प्रोवाइड करेगी जब भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों। और किसके तहत दोस्तों, अंडर सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हम टाइम टू टाइम दोस्तों जो ये रूल है सेबी का, रेगुलेशन 2015 लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसके तहत दोस्तों हम एक्सचेंज को बताते रहेंगे जो भी चीजें अगर होती हैं। तो ऐसा कहा है, किसने कहा है दोस्तों, ये लिखा है इन्होंने, थैंकिंग यू यू आर फेथफुली फॉर एचईजी लिमिटेड। तो एचईजी लिमिटेड ने दोस्तों ये अपना दिया था कि भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है इसमें, और जो करंट सिनेरियो बना हुआ है और जो मार्केट मूवमेंट हो रहा है उसी की वजह से हमारा शेयर प्राइस भी ऊपर जा रहा है दोस्तों। अब मेरा व्यू क्या है दोस्तों इस स्टॉक के बारे में, मैं ये कहता हूँ दोस्तों, अभी कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई स्टील इंडस्ट्री के बारे में, खासकर मेटल इंडस्ट्री के बारे में। आप लोगों को दोस्तों मेटल इंडस्ट्री से अभी दूरी बना के रखनी चाहिए, भले ही यहाँ पे कंटिन्यूअसली अपर सर्किट लग रहा हो। आप दोस्तों रिस्की इन्वेस्टर हो तो आप पैसा यहाँ पे फंसा सकते हैं, लेकिन मैं किसी को एडवाइस नहीं करूंगा दोस्तों। अभी अभी आप लोगों को इन स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि रिवर्सल कब शुरू होगा आप लोगों को भी पता नहीं है, या किसी को भी पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस तरह की कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ मेटल इंडस्ट्री के लिए नहीं आई थी कि ये शेयर भागना शुरू कर दे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।